फैमिली क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज रिलेटेड टू वन एंड अनदर इज कॉल्ड फैमिली। फैमिली लोगों का एक ग्रुप है जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एज यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, पीपल आर वेरी हैप्पी हियर बिकॉज दे आर विद देयर फैमिली। आप इन पिक्चर्स में देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इस पिक्चर में ग्रैंड पेरेंट, दादाजी दादी जी, पेरेंट और उनके बच्चे। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी पेरेंट, अंकल आंटी एंड देयर किड्स। इन दिस पिक्चर दे ऑल आर वेरी हैप्पी बिकॉज ईच वन इज कनेक्टेड टू अनदर। और जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो हम खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हम सभी एक दूसरे की खुशियां और सारी चीजें शेयर करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। किड्स, एज यू नो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। किड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फैमिली बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जॉइंट फैमिली। पहले हम जॉइंट फैमिली के बारे में जान लेते हैं। जॉइंट फैमिली, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर आर सो मैनी मेंबर्स इन दिस फैमिली, लाइक ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, अंकल एंड सो मैनी किड्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट मतलब दादाजी दादी जी, पेरेंट्स मतलब माता पिता और एक अंकल भी हैं और साथ में बहुत सारे किड्स हैं। जब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग अवर ग्रैंड पेरेंट, अंकल आंटी एंड देयर किड्स, दे लिव टुगेदर, देन इट इज नोन एज जॉइंट फैमिली। जब बहुत सारे लोग जैसे कि हमारे दादाजी दादी जी, अंकल आंटी और उनके बच्चे और हम एक साथ एक घर में रहते हैं तो ये जॉइंट फैमिली कहलाती है। आप इन पिक्चरों को देख के बता सकते हैं कि ये जॉइंट फैमिली की पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली। किड्स, आपको पिक से ही समझ में आ रहा होगा कि इन न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स आर लिविंग विद देयर चाइल्ड। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। इस टाइप की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड फैमिली। किड्स, व्हेन समवन मूव्स विद हिज वाइफ एंड किड्स टू लिव इन अनदर सिटी, देन दिस टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। किड्स, जब कोई किसी भी कारण से, या तो जॉब का कारण हो या फिर कोई अदर रीजन हो, उसके वजह से कहीं और रहने लगता है अपनी वाइफ और बच्चों के साथ और वहीं वो रहना स्टार्ट कर देता है, तो इस फैमिली को हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल पेरेंट फैमिली। किड्स, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि चिल्ड्रन इज हैविंग ओनली वन पेरेंट। देखिए, यहाँ पे बच्चे जो हैं अपने केवल एक ही पेरेंट के साथ हैं। यहाँ पे बच्चे अपनी मदर के साथ हैं, यहाँ बच्चे अपने फादर के साथ हैं। सो डैट फैमिली इन विच चिल्ड्रन हैविंग ओनली वन पेरेंट इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। जब एक बच्चा अपने किसी एक ही माता पिता के साथ रहता है, चाहे वो उसके फादर हो या मदर हो, इस टाइप की फैमिली सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाती है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशन एंड वैल्यू। किड्स, ईच फैमिली हैज सम ट्रेडिशन एंड वैल्यू एंड फैमिली टीचेस अस सो मैनी थिंग्स। किड्स, हर एक फैमिली के अपने ट्रेडिशन एंड वैल्यू होते हैं
जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को फॉरवर्ड होते हैं। इट मीन्स आपके दादा दादी ने कुछ वैल्यूज, कुछ अच्छी आदतें आपके मदर फादर को दी और सेम वैल्यूज, हैबिट्स और आदतें आपके मदर फादर ने आपको दी। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो फॉरवर्ड हुई। और इन्हीं गुड हैबिट्स को, जिसमें इंक्लूड होता है केयर, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, काइंडनेस और पोलाइटनेस, इन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशंस एंड वैल्यू। और यही चीज़ हमें हमारी फैमिली सिखाती है। किड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक फैमिली एंड सो मैनी थिंग्स अबाउट फैमिली। आई होप आप समझ चुके होंगे हमारे डिफरेंट टाइप की फैमिली और फैमिली हमें क्या सिखाती है, उसके ट्रेडिशन एंड वैल्यू। अब आप